पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन रद्द किया गया है। रियासत में प्राइवेट नौकरी में अब नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। हाईकोर्ट में बिजनेसमैन ने दी थी अर्जी, स्टेट में हरियाणा के लोगों को मिल रहा था 75% रिजर्वेशन। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया है। रियासत में प्राइवेट नौकरी में अब रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट में एक बिजनेसमैन ने अर्जी दायर की थी, स्टेट में हरियाणा के लोगों को 75% रिजर्वेशन मिल रहा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जाहिरी तौर पर हाहाकार इस पर होना लाजमी माना जा रहा है। तमाम अपडेट्स हासिल करते हैं विजय राणा, इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ। विजय, क्या जानकारी है इस हवाले से, क्या पेश रफ्त रही? देखिए हिरम, ये जो मामला था ये हाईकोर्ट में चल रहा था पिछले करीब दो साल का वक्त था। 2021 में हरियाणा में इस कानून को पास किया गया था कि जो भी हरियाणा के युवा होंगे उन्हें सरकारी निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। यानी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो नौकरी पर युवाओं को रखती है तो उसमें से 75% युवा हरियाणा से होने चाहिए और 25% दूसरे राज्यों से वो भर्ती कर सकते हैं। इसमें शर्त ये भी रखी गई थी कि जो जिन नौकरियों में सैलरी 30,000 रुपये तक है उन तक ये जो कानून है ये लागू होगा। 30,000 से ऊपर की जो नौकरियां हैं उसमें किसी भी राज्य के युवाओं को कंपनी रख सकती है। और इस कानून के आने के बाद 2021 में इस कानून को पास किया गया था, लेकिन इस कानून के आने के बाद जो कंपनियां थी उन्होंने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी कि उन्हें इतनी बड़ी मात्रा मैन पावर हरियाणा से नहीं मिल सकती है, हमें प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है और सभी प्रोफेशनल लोग हरियाणा से ढूंढना संभव नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है। तो इसको देखते हुए ये केस जो था वो 2022 से अभी तक चला आ रहा था और 21 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, जब हाईकोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब सरकार की ओर से दलीलें पेश की गई, जो निजी कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी तरफ से दलीलें पेश की गई और सभी को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस कानून को रद्द किया जाता है, इस कानून को लागू हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह हाईकोर्ट ने जो हरियाणा सरकार का जो कानून था उसको रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर जारी तौर पर जो है वबाल कहा जा रहा है कि देखने को मिलेगा किस तरह के रिएक्शन इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन 75% था, इसे रद्द करना जाहिर तौर पर इम्पैक्ट जो है असर जो है बड़ा देखने को मिलेगा। जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है तभी से दूसरी पार्टियों के जो नेता है उनकी रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में जब चुनाव लड़ा था तो ये उनका एक मुख्य एक वादा था हरियाणा के लोगों के साथ कि अगर वो सरकार में आते हैं तो हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण वो दिलवाकर रहेंगे। और जब भाजपा से गठबंधन हुआ तब भी वो इस वादे के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन अब हालांकि इस कानून को लागू करवाने में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो कामयाब हो गए थे, हरियाणा में से लागू करवा दिया गया था, लेकिन बाद में ये हाईकोर्ट में आने के बाद से रद्द कर दिया गया है। और इसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार अब सरकार पर हमलावर हो गए हैं कि सरकार जिस वादे को लेकर चुनाव लड़ा गया था, जिस वादे को लेकर सरकार बनाई गई, उस वादे को ही अब सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूर मुश्किल है इन सब बातों का जवाब देना, विपक्ष जो नेता जो आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी